सो हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल है आप सभी लोगों के। तो यार बहुत ज्यादा कमाल के अपडेट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है निकल कर आ रहे हैं। गाइस यार दो नए कैरेक्टर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे, यार ये सोचने वाली बात है। उसी के साथ दोस्तों मन 15 रॉयल पास रिवॉर्ड्स कैसे होंगे वो भी आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे दिखाऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है अपडेट्स के बारे में, तो गाइस एक नंबर है दोस्तों, हेलोवीन अपडेट आप लोगों का वापस से आ रहा है। गाइस नाइट मोड जो होता है वो अपने साथ डेफिनेटली लेकर आने ही वाला है। तो बेसिकली गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो है गेम को ओपन करते हो तो यार पहले ही हम लोग को यहाँ पे एक नई लॉबी जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड गाइस ये लॉबी भी कुछ नहीं है बल्कि इसके साथ ही एक और आप लोगों को यहाँ पे हेलोवीन लॉबी जो होती है वो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। गाइस ऑल ग्रेट गोज टू प्रियांक, प्लीज उनके चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनके चैनल की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे कि भाई देखो ये जो हेलोवीन लॉबी है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। पीछे जो है हमारी एंडी की जो गुड़िया होती है वो यहाँ पे बैठी हुई है जो है लिटरली बहुत ज्यादा स्कैरी लग रही है। उसी तरह अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे मोड के बारे में, तो गाइस मोड का नाम है गियर फ्रंट। एंड गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे जो है मोड को ओपन करोगे तो यार तीन चार जगह पर आप लोग को यहाँ पे हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा, जहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर जाते ही रात जो होती है अपने आप ही हो जाएगी, चांद दिख जाएगा आप लोग को यहाँ पे। एंड गाइस काफी सारे कमाल के आइटम जो होते हैं देखने को मिल जाएंगे, भर भर के लूट जो होती है वो भी आप लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस सही बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है ये चीज हॉट ड्रॉप होने ही वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है सेकंड चीज के बारे में। तो बेसिकली गाइस यार आप लोगों को यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की पावर जो होती है वो भी यहाँ पे दी गई है। बेसिकली यार आप लोग जैसे ही आप मैच को स्टार्ट करोगे ना तो आपको 8 पावर्स को यहाँ पे चूज करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा जब मोड आएगा, लेकिन गाइस ये वाली पावर को आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो। मतलब जैसे हमारा स्पाइडरमैन था ना, हम लोग यहाँ पे जो है वेब शूट करते थे, वेब शूट करने के बाद हम लोग जो है बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वैसे ही गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे एक गुड़िया होने वाली है जो आप लोग को यहाँ पे उड़ा के लेके जाएगी। गाइस बहुत जल्दी आप लोग का डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे कवर कर देगी। तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा कमाल की पावर है। इससे इन बताए इसके क्या फायदे हैं, मतलब जब भी आप लोग यहाँ पे जो है बहुत ऊपर से गिरने वाले होंगे ना, मैंने तो खुद टावर पे टेस्ट किया यार, टावर से अगर आप गिरने वाले होंगे ना तो अपने आप ही आप लोग यहाँ पे जो है बच जाओगे उस गुड़िया की मदद से। एंड गाइस अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कुछ और अपडेट्स के बारे में, तो गाइस सिर्फ उस मैप को ही नहीं छेड़ा गया है बल्कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो है ये जो है लिविक के अंदर भी देखने को मिलेगा। जो आपका नया नूसा मैप आ रहा है उसके अंदर भी आप लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी तो यार देखो लिविक के अंदर तो मैं आपको दिखा दूंगा तो काफी नॉर्मल सा ही है, अभी कुछ ज्यादा हाईफाई चीज के अंदर यहाँ पे ऐड नहीं की गई है। बाकी नूसा के अंदर भी आने वाला है, उसके अंदर भी अभी यार कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, बस नाम डाला गया नूसा का गियर फ्रंट के नाम से। ठीक है, और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में, तो गाइस बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एरेंगल होता है उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस किए गए। मतलब यार एरेंगल के अंदर साइकिल जो होती है वापस से हम लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली, जो सही बता रहा हूँ दिखने में बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। ठीक है यार, साइकिल से तो आप लोगों को पता है कितने कमाल के स्टंट जो होते थे वो हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। उसी के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी डाला गया है। गाइस साइकिल स्टैंड के साथ साथ आप लोगों के सामने यहाँ पे एक मिनी बस मार्केट जो होता है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये मिनी बस मार्केट करता क्या है, मतलब इतना तो पता है करता क्या है, लेकिन गाइस क्यों डाला गया मतलब उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। बिकॉज गाइस जैसे आप उसके पास जाओगे तो नॉर्मल जो हमारी शॉप होती है वैसे ही आप लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए इरेंगल के अंदर यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो यार इरेंगल के अंदर आप लोगों के लिए यहाँ पे नया डॉकयार्ड जो होता है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। मतलब यार डॉकयार्ड तो ठीक है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है डॉकयार्ड डाला गया है, यहाँ पे आप लोगों को शिप देखने को मिल जाएगी, बट यार एक चीज और आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड की गई है वो है दोस्तों बिल्कुल पानी के बीच में आप लोगों के सामने यहाँ पे एक नया महल जो होता है या फिर दोस्तों एक नई काइंड ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, बिकॉज जैसे ही मैं उसके पास गया तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास था नहीं वहाँ पर, लेकिन यार नॉर्मल सी बात है अगर आप उसके पास जाओगे तो वहाँ पर लूट देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ पर भी हॉट ड्रॉप हो सकता है। मुझे नहीं पता कैसे हॉट ड्रॉप करने वाले हो आप लोग वहाँ पे, लेकिन यार बिल्कुल पानी के बीच में होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करें सेकंड एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में, तो एक और लोकेशन आपको देखने को मिलेगी आई थिंक सो कि बिल्कुल पानी के साइड में, जहां पर जैसे आप जाओगे तो वहां पर एक नए टाइप के घर बनाया गया है। मतलब इरंगल के अंदर आप लोगों ने कभी भी ऐसे घर जो है बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, जैसे आप वहां पर जाओगे, वहां पर जाने के बाद दोस्तों सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कमाल का एक टावर जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो गाइस नॉर्मल टावर है, आप लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप राइट में देखोगे तो वहां पर सीढ़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लगातार आप लोग को यहाँ पे जो है सीढ़ियों को चढ़ना है, सीढ़ियों को चढ़ने के बाद दोस्तों बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पर आप लोग जा सकते हो। इन गाइस वहां पर भी बहुत सारी लूट जो होती है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में, तो गाइस और भी बहुत सारी कमाल की चीज़ों को यहाँ पे जो है ऐड किया गया। उससे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नए आने वाले कैरेक्टर्स के बारे में। तो गाइस नए आने वाले कैरेक्टर्स को आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो। एक का नाम है आई थिंक राइले, जिसको आप मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखो, जो अपने साथ 150 कैरेक्टर वाउचर जो होता है वो यहाँ पे लेकर आ रहा है। भाई सही बता रहा हूँ, 150 फ्री कैरेक्टर वाउचर जो होते हैं वो आप लोग को यहाँ पे जो है और मिल रहे हैं जस्ट कैरेक्टर को बाय करने के बाद। ठीक है, बाकी तो इवेंट आएगा वो तो अलग ही लेवल पर आएगा भाई, इवेंट तो मतलब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वाउचर आप लोग को यहाँ पे जो है देने वाला है। ठीक है, बाकी यार दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कैरेक्टर,
बाकी मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है, ठीक है। बाकी एक बात करें सेकंड कैरेक्टर के बारे में, तो वो एक गर्ल कैरेक्टर होने वाली है सोफिया, एंड उसका भी आप लोग यहाँ पे जो है फोटो देख सकते हो। भाई फोटो में तो काफी सही लग रही है, ठीक है, ऐना को तो नहीं, लेकिन गाइस हमारी जो यहाँ पे जो है सायरा है उसको यहाँ पे जो है जरूर टक्कर दे सकती है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर आप लोगों के लिए निकल कर आने, दोनों को परचेस करोगे तो 150 कैरेक्टर वाउचर जो होते हैं बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बाकी तो उसका इन दोनों का पर्सनली अलग से इवेंट जो होता है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है और टायर रिवॉर्ड्स के बारे में, तो गाइस टायर रिवॉर्ड्स को भी आप लोग यहाँ पे जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर के ऊपर देख लो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग को यहाँ पे जो है आई थिंक ग्लासेस देखने को मिल जाएंगे। गाइस ग्लासेस भी बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे कि और क्या क्या आ सकता है, तो गाइस गोल्ड पे आप लोगों के लिए यहाँ पे एक आउटफिट जो होती है वो यहाँ पे निकल कर आ रही है, जो दिखने में काफी सही लग रही है। एंड गाइस सही बता रहा हूँ, लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे जो है कुछ ऐसा ही किया था कि आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है काफी कमाल कमाल की आउटफिट जो होती है वो यहाँ पे निकाल के दी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लेटिनम के बारे में, तो गाइस एक पैराशूट की स्किन जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो दिखने में काफी नॉर्मल सी लग रही है, ऐसे कुछ ज्यादा हाई फाई बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइस सही बताऊँ तो यार मतलब बेकार सी लग रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डायमंड के बारे में, तो गाइस एसकेएस की स्किन जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सारा कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ना गाइस कंप्लीट तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पूरा पैराशूट की स्किन से निकाल के दे दिया, मतलब ये भी घटिया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें एज टायर के बारे में, तो गाइस आप लोग को यहाँ पे एक मास्क जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड एज मास्टर के ऊपर आप लोगों के सामने हेड गियर जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर काइंड ऑफ एक नॉर्मल से बाल जो होते हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है जो अवतार होता है बिल्कुल सेम होने वाला है, कॉन्करर टाइटल जो होता है वो भी बिल्कुल आप लोगों के लिए यहाँ पे सेम सा ही रहेगा। तो यार ये कुछ नए अपडेट्स नई चीजें जो आप लोगों के लिए मार्केट में निकल कर आ रही है, जो गाइस दिखने में बहुत ज्यादा ओपी लग रही है। रॉयल पास के रिवॉर्ड बहुत जल्दी निकल कर आने वाले हैं, तो गाइस क्या कर रहे हो, फटाफट जाके तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब करो, बिकॉज तुम्हारा भाई जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले लेकर आ जाएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।